भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में राजधानी भोपाल के 200 किन्नरों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु होने की बधाई दी। मध्य प्रदेश समेत देश भर में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान में भोपाल के किन्नरों को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह किन्नरों के इलाके मंगलवारा पहुंचे, जहां उन्होंने किन्नर समाज की नायिका सुरैया बाजी समेत 150 से ज्यादा किन्नरों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एमपी में चल रहे सेवा पखवाड़े में किन्नरों को उपहार भी बांटे। के टाइम के अंदर कभी किन्नरों को इतना सम्मान नहीं दिया, कभी इतनी इज्जत नहीं दी, जब से हमारी बीजेपी है जब से किन्नरों को बहुत सम्मान और बहुत इज्जत मिली है। और हमारे मोदी जी ने शपथ ली थी दिल्ली के अंदर, मुझे खुद बुलाया था, मोदी जी ने जब शपथ ली थी जब भी मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ था, बड़े गर्व की बात है। और हम इस शहर में जिस देश के अंदर हिंदुस्तान में रहते हैं, मोदी जी का तो दूर दूर विदेशों में भी नाम है, मोदी जी ने वो काम करा है जो आज तक किसी ने नहीं करा। जन्मदिन की हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, वो मालिक करे, ईश्वर करे आज टाइम में मोदी जी हजारों साल जिए, हमारी तो यही प्रार्थना है, यही हमारी दुआएं हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उस अवसर पर आज हम लोग अपने किन्नर समाज के बीच में आए हुए हैं, हम लोगों ने उनको फल वितरण किया है, तारी वितरण किया है और उनसे आग्रह किया और उनका आशीर्वाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और इसी तरीके से भारत का नाम दुनिया के अंदर हो और जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पूरा हो, इस निमित्त आज मैं किन्नर समाज के बीच में आया हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है समाज के सभी वर्गों में जा करके हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।